हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, दिस इज राहुल मित्तल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग करने का? सिक्स्थ डे। ओके, तो अभी हम लोग चल रहे हैं गलियों में, छोटी छोटी गलियों में। मैं आपको टर्निंग पॉइंट सिखाऊंगा। यहाँ से लेफ्ट चलना, सिग्नल दो लेफ्ट का ऊपर को, और टर्निंग के टाइम राइट वाला पैर आपका ब्रेक पे होना चाहिए, लेफ्ट वाला क्लच पे। लॉन्ग हॉर्न पुश करो, अपना लेफ्ट दबा के टर्न करो लेफ्ट, बस इससे ज्यादा नहीं। हाँ, गाड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ने दो, अब सीधी करो। कई बार क्या होता है, जो न्यू ड्राइवर होते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा स्टीयरिंग घुमा देते हैं टर्निंग पे, और गाड़ी आगे बढ़ नहीं पाती और स्टीयरिंग सीधा कर देते हैं, तो गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती, कभी लेफ्ट भाग जाती कभी राइट भाग जाती है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान दो, स्टीयरिंग उतनी घुमाओ जितनी की जरूरत है, उसके बाद गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ने के बाद स्टीयरिंग सीधी करनी है। अपना लेफ्ट आ जाओ, हमारी साइड लेफ्ट है, सीधा चलना है, स्ट्रेट चलना है हमें। सिग्नल क्यों दे दिया यहाँ पे? ऊपर कर दो हल्का, पैनिक मत हो, आराम से चलाओ, कूल हो गया। लेफ्ट आओ हल्का, हाँ ब्रेक पे पैर रखो, हाँ सीधा जाना है, स्ट्रेट। हाँ लेफ्ट आओ और लेफ्ट जाओ, हल्का राइट रखो, हॉर्न ब्रेक पे पैर रखो, स्पीड कम, लेफ्ट आओ थोड़ा, बस राइट रखो, हल्का राइट, राइट 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 और राइट और राइट और दबाओ 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 और दबाओ, लेफ्ट आओ, लेफ्ट 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 लेफ्ट। अब देखो आपने यहाँ मिस्टेक क्या करी, पता चला आपको? लेफ्ट आओ, आपने ब्रेक की जगह एक्सेलेटर दबा दिया, देखा? अभी आपने यहाँ पे ब्रेक की जगह एक्सेलेटर, क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं था तो आपको क्लच लेके ब्रेक लेना चाहिए था ना, आपने एक्सेलेटर दबा दिया। तो ऐसे में क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। जब वहाँ पे स्पेस नहीं था तो आपको क्या करना था, क्लच दबा के पहला गियर कर लेती, या फिर गाड़ी को प्रॉपर रोक लेती, रोकने के लिए पूरा क्लच देन ब्रेक। हल्का राइट रखो, मैंने राइट बोला, आपने लेफ्ट घुमा दिया, मैंने आपको राइट बोला था कि हल्का राइट रखो, अभी स्ट्रेट जाना है, सीधा जाना, थोड़ा रास्ता खराब है, क्लच ब्रेक पे पैर रखो। हाँ यहाँ पे हल्का सा स्लो करके, उबड़ खाबड़ देख रहे हो, मैडम इतना एक्सीलेटर क्यों दबा दिया? गड्ढे में गाड़ी कुदाने के लिए एक्सीलेटर की जरूरत होती है? हाँ नहीं, अभी आपने जब गाड़ी गड्ढे में कुदाई तो एक्सीलेटर की जरूरत थी या ब्रेक की? और आपने क्या दबाया? फिर वो बाई मिस्टेक एक्सीडेंट हो जाएगा, फिर स्पीड मेंटेन करिए, समझ रहे हैं? और अपना हल्का लेफ्ट ही रखो, ज़्यादा गैप मत मेंटेन करो, डेढ़ फीट, एक से डेढ़ फीट का गैप बहुत है, ताकि आपको आइडिया मिलता रहे। लेफ्ट का सिग्नल दो ऊपर को, हाँ स्लो करके, हाँ ब्रेक पे पैर रखो, जाने दो धीरे से, बस बस बहुत ज्यादा नहीं, बस इससे ज्यादा स्टीयरिंग नहीं घुमाना है आपको। अभी पहले गाड़ी को थोड़ा आगे निकलने दो, और निकलने दो, अभी कुछ नहीं करना है, जब मैं बोलूंगा अब सीधी करो स्टीयरिंग। हो गया, देखा कितना जबरदस्त टर्न हुआ है, ना जरा सा लेफ्ट लहराई ना जरा सा राइट लहराई। बस इसको ये आपको ध्यान में रखना है कि आप जब भी स्टीयरिंग को घुमा रहे हो या सीधा कर रहे हो तो आपकी जो सिचुएशन वो है क्या, बढ़ाओ स्पीड और अब क्लच दबा के सेकंड गियर करो। एक्सेलेटर से पैर ही नहीं हटाया मैडम, बाद में हटाया, बाद में रखा था सर, बट आपने बाद में, जब पहले एक्सेलेटर तो दब गया ना, एक्सेलेटर तो दब गया, वो दबना नहीं चाहिए राइट खोल का। अगर एक बार आपने बाय मिस्टेक दबा दिया है, स्लो करके यहीं से राइट राइट जाना, स्लो करके टर्न करो धीरे धीरे, बस आराम से, हाँ स्लो करके लेफ्ट आओ, अभी यहीं से पहला राइट, सिग्नल दो राइट का, यहीं स्लो करो, ब्रेक लो हल्का, यहीं से राइट टर्न करो, हाँ बस धीरे धीरे, बस लेफ्ट आओ हल्का, लेफ्ट राइट रखो, राइट 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 राइट, सीधी करो, सीधी सीधी जाने दो धीरे धीरे, हाँ एकदम सीधा चलना है, लेफ्ट आओ, हम्म,
यहाँ से लेफ्ट जाना, सिग्नल दो लेफ्ट का और ब्रेक पे पैर रखो, स्पीड कम थोड़ा सा, हाँ स्लो करके, हाँ टर्न करो और बस सीधी करो स्टीयरिंग, सीधी सीधी सीधी, बस सीधी राइट दबाओ हल्का। आपका पैर एक्सीलेटर पे क्यों रहता है मैडम, अभी सीधी करो, सीधी सीधी सीधी, टकरा जाएगी इधर, इधर देखो ना, फिर लहरा रहे हो गाड़ी, झंडी को देखती हूँ, झंडी, अरे मैडम झंडे से ये गाड़ी का एक फीट बाहर शीशा और निकला, झंडा बोनट पे लगा है आपके, बोनट से भी गाड़ी एक से डेढ़ फीट आपकी बाहर निकली है, समझ गए, अभी छू गई थी उसके रिक्शे में। थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करो कि अब जब हम लेफ्ट या राइट टर्न करें तो हमें वो साइड देखनी होती ना, आप हमेशा फ्रंट में देखते रहोगे तो फ्रंट से साइडें थोड़ी समझ में आएंगी। अब यहाँ पे रोड बहुत बिजी है, चारों तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, हाफ क्लच लेके थोड़ा सा ब्रेक लेके चारों तरफ देख के फिर निकालना, स्लो करो, बस जाओ धीरे धीरे, क्लच ब्रेक छोड़ो, चलो जाओ छोड़ो क्लच ब्रेक, हल्का रेस लो, हल्का रेस लो, हल्का सा बढ़ा लो धीरे धीरे, हाँ स्पीड बढ़ाओ जाओ, ब्रेक पे पैर रखो, स्पीड ब्रेकर है सामने, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, हल्का सा ब्रेक लेके फिर गाड़ी को निकालना, हाफ क्लच लेके थोड़ा सा ब्रेक, ब्रेक लो बस, अब हाँ छोड़ दो ब्रेक, हाफ क्लच दबा के रखना, लेफ्ट आ जाओ, हाँ यहीं से लेफ्ट टर्न करना, सिग्नल दो लेफ्ट का, टर्निंग पॉइंट पे ब्रेक पे पैर रख के हाफ क्लच लेके फिर टर्न करना, ब्लाइंड टर्न है ये, वेरी गुड, अभी सीधी करो, मैंने आपको बोला था ना एक राउंड घुमाना, एक ही सीधा करना, तो आप झटके क्यों मार रही हैं, अपनी साइड आ जाओ, ब्लाइंड टर्न है ये, अंधा मोड़ है, हल्का राइट रखो, ऐसे में अचानक सामने से गाड़ी राइट रखो तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, थोड़ा सा प्लान करके रखोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, दोनों साइड देखते रहना, लेफ्ट और राइट में जो गलियां हैं इन्हीं से खतरा है हमें, हल्का सा स्लो कर लो ताकि, हाँ बस हल्का राइट रखो, वो वहीं रुक जाएगा, लेफ्ट आओ, हाँ राइट रखो हल्का, लेफ्ट आओ और लेफ्ट आओ, टर्न करो, हाँ दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, जय हिंद वंदे मातरम।